नमस्कार, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल नेक्स्ट नाइन न्यूज पर। मेरा नाम है दीपक गुप्ता। बात करेंगे गुजरात चुनाव 2022 की। साल के अंत में गुजरात चुनाव और हिमाचल प्रदेश में भी चुनाव होना है, लेकिन इस बार दावेदारी किसकी मजबूत, दावेदारी की अगर तरफ यहां पर गौर ना करें, क्योंकि बीजेपी का गढ़ माना जाता है। दावेदारी से पहले कांग्रेस और तमाम विपक्षी पार्टियों ने की थी, लेकिन बीजेपी ने किसी को भी अपने गढ़ में सेंध लगाने नहीं दी। अब सवाल ये बनता है कि केजरीवाल की जो राजनीति देखने को मिल रही है, जो कहीं ना कहीं तमाम कवायद वो देते नजर आ रहे फ्री की राजनीति की, बीजेपी की तरफ से पीएम मोदी की भी करीब 12 रैलियां बताई गई थी, इसमें से कई रैलियां हो चुकी हैं। केंद्रीय मंत्रियों मंडल का एक बहुत बड़ा कह सकते हैं गठन जो किया गया है इस खास चुनाव की प्रक्रिया के लिए, वो उतारा जाएगा। चुनाव की तारीखों का ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन इस बीच ऐलान ये हो रहा है कि जीत हमारी। लेकिन आखिर में जीत किसकी होगी, कांग्रेस पार्टी की ज्यादा चर्चा करेंगे, क्योंकि कांग्रेस पार्टी को लेकर कई सारे सवाल राजस्थान से लेकर दिल्ली झारखंड में भी खड़े हुए, लेकिन क्या गुजरात में कांग्रेस मजबूत है? क्या भारत जोड़ो यात्रा से राहुल गांधी ने क्या कांग्रेस को जोड़ दिया? क्या गुजरात चुनाव में कांग्रेस पिछले 77 सीटों के मुकाबले इस बार जो 92 का आंकड़ा रहता है बहुमत का, क्या वो पार कर पाएगी या नहीं कर पाएगी? हमारे साथ इस खास डिबेट सेशन में मौजूद हैं कशिश, जिनसे ज्यादा जानकारी लेना चाहेंगे कि इस समय गुजरात में आप देख रहे हैं आम आदमी पार्टी भारतीय जनता पार्टी अपनी दावेदारी पेश कर रही है, कन्हैया कुमार, जिग्नेश मेवानी और साथ ही साथ राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और पायलट और गहलोत, ये कुछ बड़े चेहरे हैं जो शिरकत करते नजर आएंगे। लेकिन आपको क्या लगता है, क्या कांग्रेस अपनी दावेदारी मजबूत करती नजर आ रही है चुनाव में? देखिए, इस वक्त यहाँ भारत जोड़ो अभियान लगातार चल रहा है। कांग्रेस पार्टी के लिए जो समय है वो बिल्कुल भी आसान नहीं है, क्योंकि एक तरफ भारत जोड़ो अभियान, दूसरी तरफ अलग अलग राज्यों में यहाँ पर उनको अपनी सरकार का खतरा लग रहा है। छत्तीसगढ़ में भी एक खबर सामने आई थी जिसमें कहीं ना कहीं भूपेश बघेल फंसते हुए नजर आए थे, और कहीं ना कहीं ऐसा लगा था कि शायद वहां पर भी पार्टी गिर सकती है। लेकिन इस बात से ज्यादा लोग वाकिफ होंगे कि राजस्थान में क्या कुछ चल रहा है, यहाँ पर अध्यक्ष पद की दावेदारी को लेकर भी काफी बड़े बड़े बवाल होते नजर आए। तो अभी जब पार्टी का अध्यक्ष ही साबित नहीं हो पाए, क्योंकि 19 अक्टूबर को शायद इसका रिजल्ट आएगा कि आखिरकार कौन जीत हासिल करेगा, कौन पार्टी को संभालेगा। लेकिन यहाँ पर दीपक लगातार ये देखने को मिल रहा है कि गुजरात जो भाजपा का गढ़ बना हुआ लगातार नजर आता है, वहां पर अचानक से कांग्रेस पार्टी आया और वहां पर जीत हासिल कर ले, इतना आसान नहीं है कांग्रेस पार्टी के लिए। क्योंकि अब कांग्रेस पार्टी की सीटें काटने के लिए या फिर वोट काटने के लिए कह लीजिए, यहाँ पर आम आदमी पार्टी भी सेंधमारी कर चुकी है। यहाँ पर आम आदमी पार्टी आ चुकी है, वो तो इतने बड़े ख्वाब सजाती नजर आई है कि मैं यहाँ पर जो भाजपा है उनको हरा दूंगी, इस तरीके की बात यहाँ पर। आदि पार्टी ने जिस राज्य में सेंधमारी करी वहां पर कांग्रेस की सरकार थी, दिल्ली और पंजाब का इसमें जिक्र करेंगे। लेकिन इस समय कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस के पास कुछ ऐसे चेहरे हैं जो बाजी पलट सकते हैं, लेकिन बीजेपी के पास उनसे भी बड़े चेहरे हैं, और आम आदमी पार्टी कहीं ना कहीं गले गले जाकर अपनी रैली का प्रचार कर रही है। इस बार सबको पता है कि एकदम से ही केजरीवाल की सरकार नहीं बन पाएगी, लेकिन केजरीवाल एक कोशिश करेंगे और उस कोशिश को अगली बार कामयाबी में बदल लेंगे। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने वही कोशिश पिछली बार करी थी जिसमें 77 सीट हासिल कर ली थी, 90 प्लस कह सकते 92 करीब यहां पर बहुमत के लिए चाहिए होता है 182 में से। लेकिन क्या वो बहुमत के आंकड़े का, मतलब जो 70 सीटें इस बार, फायदा क्या उसमें दिख रहा है, क्या नुकसान दिख रहा है? देखिए, मैं यहां पर यही कह सकती हूं कि कांग्रेस पार्टी पिछली बार 77 सीटें जीती थी, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन इस बार जो हालात बने हुए कांग्रेस पार्टी के, वो 77 सीटें भी जीतना कहीं ना कहीं मुश्किल नजर दिखाई दे रहा है यहां पर, कि मुश्किल हो सकता है, क्योंकि यहां पर वोट्स कटते नजर आएंगे, सीट कटती नजर आएगी। अब वो यहां पर बीजेपी पार्टी की कटे या फिर कांग्रेस पार्टी की कटे, लेकिन कटेगी जरूर, जिसका फायदा कहीं ना कहीं थोड़े से ज्यादा फायदा यहां पर अरविंद केजरीवाल को जरूर होगा, क्योंकि वो जिस तरीके से हमेशा फ्री की रेवड़ी की जो बात होती है वो देते नजर आते हैं। उन्होंने कहा कि फ्री शिक्षा दी जाएगी यहां पर, कोई भी मतलब एजुकेशन का सिस्टम नहीं है गुजरात में। लेकिन दीपक, आप भी इस बात से वाकिफ है कि लोग दिल्ली के हो, बेंगलोर के हो या फिर कहीं और के, गुजरात पढ़ने जाते हैं लोग, अगर बिजनेस खोलना हो तो गुजरात जाते हैं। तो इस तरीके की बात, जिनका सर ना पैर, इस तरीके की बात अरविंद केजरीवाल करते नजर आते, तो कहीं ना कहीं लोग उन पर विश्वास नहीं कर पा रहे होंगे, कुछ मुश्किल हो रहा होगा। लेकिन हाँ, जो छोटा तबका होता है, जहां पर लोगों के पास रोजगार नहीं होता, जहां पर लोगों के पास खाना नहीं होता, वो शायद हो सकता है कि कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल की बातों में फंसते नजर आए और वो लोग वोट डाले, जिसका नुकसान कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी को देखना जी पड़ बिल्कुल सकता। ये आपने साफ बात करी, लेकिन अगर सर्वे की ओर गौर करें तो सर्वे ये कह रहा है कि 35 से 40 कांग्रेस और 20 से 25 आम आदमी पार्टी और 115 से 120 भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं इस बार ले जाएगी सरकार। और जिस तरीके से बीजेपी की दावेदारी इस वजह से मजबूत नजर आ रही, क्योंकि गुजरात चुनाव में कई सारे यहां पर ऐसे चेहरे रहेंगे जो जाने पहचाने हैं गुजरात की जनता के लिए। अमित शाह मोदी की ही बात कर ले, और गुजरात भाई गढ़ कहा जाता है भाई, 27 साल से वहां पर उनकी सरकार चल रही है। अब एकदम से आम आदमी पार्टी को दिल्ली से कोई हटा नहीं सकता, वैसे यहां पर गुजरात में भी हालात हैं। लेकिन
आपको क्या लग रहा है जो गहलोत को इस समय जिम्मेदारी दी गई है गुजरात चुनाव की? गहलोत एक ऐसे जादूगर है जिन्होंने राज्यसभा चुनाव या बाकी चुनावों में कांग्रेस पार्टी को हमेशा बड़ा दिलाए रखी, तो क्या गहलोत का जादू गुजरात में चलेगा? देखिए, गहलोत यहाँ पर काफी मेहनत करते नजर आएंगे। क्यों? क्योंकि इस वक्त अगर राजस्थान में देखा जाए तो कहीं ना कहीं उनका सीएम पद भी थोड़ा खतरे में बनता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर लोगों ने कयास लगाने शुरू कर दिए कि शायद गहलोत को हटा के सचिन पायलट को मौका दिया जा सकता है। दिसंबर 2023 में होने वाले चुनाव में एक बड़ा बदलाव देखा जा सकता है। भले ही आपने दीपक ये चीज देखी कि कभी भी शायद अशोक गहलोत ने कहा कि हमारी सरकार रिपीट होगी, लेकिन इस बार उन्होंने कहा कि राजस्थान में हमारी सरकार रिपीट होगी। एक अलग ही ताव के साथ उन्होंने अपनी बात रखी। तो रही बात गुजरात की, गुजरात की जिम्मेदारी बहुत सोच समझ के उन्हें दी गई है। जादूगर इसी वजह से उन्हें कहा जाता है कि वो अंतिम समय पर कुछ ऐसा दाव खेल जाते हैं जो शायद किसी ने यहाँ पर एक्सपेक्ट भी नहीं किया होता है। तो इसीलिए गुजरात में कुछ ऐसी तस्वीरें देखी जा सकती है कि जहां पर सपने सजा के अरविंद केजरीवाल बैठे, वहां पर कुछ ऐसा दाव खेल जाए अशोक गहलोत जिसके बारे में किसी ने सोचा ना। और जहां कहा जा रहा है कि 40 से 45 या 25, 30, 35 सीटें, कहीं ऐसा ना हो वापस से 77 सीटें या उससे ज्यादा ही सीटें जीतती नजर आए कांग्रेस। इस बार हार्दिक पटेल ने कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दिया था, वो भी यहां पर असर डालता नजर आएगा। केजरीवाल पार्टी भी यहां पर कह सकते हैं फुल फॉर्म में नजर आ रही है और सभी सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। सबसे ज्यादा दिलचस्प बात यह रहेगी, लेकिन गुजरात चुनाव का समीकरण सबसे ज्यादा किन मुद्दों पर बदल सकता है? आपको क्या लगता है कि इस समय क्या जनता फ्री बिजली पानी की तरफ जाएगी, या फिर जो राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के दौरान गुजरात चुनाव को लेकर जो बातें की गई, जो आर्थिक मुद्दों को लेकर बातें कर रहे हैं कि जो मुद्दे हैं जरूरत के गुजरात में उनको हम लागू करेंगे, वो राहुल गांधी के ऐलान है और बीजेपी ये कह रहे हैं कि हमारा शासन चला है, हमें जनता पसंद करती है और वो पसंद करेगी। क्यों? क्योंकि जो सरकार चल रही है उससे बेहतर सरकार शायद इस समय विपक्ष में मौजूद नहीं, ये बात करते नजर आए। तो सबसे बेहतर विकल्प बीजेपी के अलावा अगर बात करें, जो बीजेपी की सरकार है वहां पर, अगर बीजेपी लेकिन जब जनता के पास ऑप्शन आया, बीजेपी पार्टी का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर चेहरा बनकर सामने आए थे, तब जाके लोगों ने यहाँ पर वोट डाली थी बीजेपी को। और बीजेपी ने 2014 में कितने भारी बहुमत से जीत हासिल की थी। बात वही है कि विपक्ष में कौन है अभी। यहाँ गुजरात में देखा जाए तो विपक्ष में मुझे नहीं लगता इतने मजबूत अरविंद केजरीवाल है या फिर यहाँ पर कांग्रेस पार्टी, तो मजबूत नहीं है। बात आपने की यहाँ पर भारत जोड़ो यात्रा की, तो भारत जोड़ो यात्रा में काफी सारे मुद्दे उठाए हैं यहाँ पर राहुल गांधी ने। लेकिन आप ये देखिए कि राहुल गांधी की बात लोग हंसी ठिठोली में टाल देते हैं, इतनी मानते नहीं है इतनी बात। और रही बात यहाँ पर फ्री की, कि क्या अरविंद केजरीवाल कहीं चौका तो नहीं मार जाएंगे यहाँ पर इस तरीके की बात, तो देखिए अरविंद केजरीवाल की बात पंजाब ने भी मानी, दिल्ली ने भी मानी, लेकिन बात हमेशा आ जाती है तीन कैटेगरीज में। एक एलाइट क्लास होती है, एक मिडिल क्लास होती है, एक यहाँ पर लोअर क्लास होते हैं। लोअर क्लास के लोग जो होते हैं वो ये सोचते कि हमें फ्री में चीजें मिल जाए ताकि हमें मेहनत ना करनी पड़े, लेकिन मिडिल क्लास और एलाइट क्लास ऐसा नहीं सोचते। तो जो लोअर क्लास है वो कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल के पक्ष में आ सकते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जो सालों से शासन चल रहा है उसको पूरे की तरह पलट के रख दे। जी बिल्कुल, आपने बहुत सही जानकारी दी, जो जरूरत की जानकारी कह सकते हैं जनता के लिए हो सकती है, जनता से जुड़ी जानकारी आपने जो ग्राउंड रिपोर्ट तमाम की थी वो भी यहाँ पर आपने अपना कहीं ना कहीं एक तजुर्बा बताया कि जनता चाहती क्या है। तो बहुत बहुत शुक्रिया कशिश हमारे इस डिबेट सेशन में कहीं ना कहीं तमाम सवालों के जवाब देने के लिए। जनता से पूछ लेते हैं जाते जाते कि जनता क्या चाहती है, गुजरात में किसकी सरकार बने? क्या बीजेपी की सरकार के साथ चलना पसंद करना चाहते हैं, या कांग्रेस की सरकार, या आम आदमी पार्टी की सरकार? और कल जो हमारा जो डिबेट सेशन रहेगा वो रहेगा गठबंधन को लेकर, कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी क्या गठबंधन से चुनाव लड़ेगी, इसको लेकर कल हमारी खास पेशकश रहेगी। तो कल इसी समय पर जुड़ जाएगा हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।